जी बेटा ये देखो, सबको पता है कि आपके टोटल आउटकम कितने हैं, 36। उसमें से हमें 6 वाले केसेस नहीं चाहिए। 6 के फेवरेबल केसेस कितने थे, 5, और 9 के कितने थे, 7 के 6 थे, 8 के 5 थे, 9 के 4। तो 9 और 6 सम आने वाले फेवरेबल केसेस माइनस कर दो तो रिमेनिंग हमारे फेवरेबल बचे जो कि कितने हैं, 27। 27 फेवरेबल है कितने में से, तो बेटा ये हो गया 0.7। पहले बताओ, जिसने कर लिया था अच्छी बात है, जिसने नहीं कर पाया था अभी, क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी ना पता चला कि क्या हो, ऑल ओके, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन सेलेक्टेड एट रैंडम वुड हैव डिफरेंट बर्थडे। क्वेश्चन क्या आंसर है? देखो, 4 बच्चे हैं। पहले बच्चे का मान लिया, इसका जन्मदिन हमें फिक्स करना है, ठीक है? तो पहले बच्चे के लिए कितने चॉइसेस हैं हमारे पास, 365 डेज। कितने में से, आउट ऑफ 365, सारी फेवरेबल है, कोई भी दिन रख दो उसका जन्मदिन। दूसरे बच्चे के लिए सिर्फ कितने दिन बचे, आउट ऑफ 365। तीसरे बच्चे के लिए कितने दिन बचे, आउट ऑफ 365। और चौथे बच्चे के लिए कितने दिन बचे, आउट ऑफ 360। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कौन सा हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक से थे, और आइए उसके बाद के क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पहले समझ लो, कॉइन और डाइस के अलावा कौन सी पढ़ रहे हो आप, पहले पहले बताओ, प्रोबेबिलिटी कौन सी पढ़ रहे हो? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। या एप्लीकेबल फॉर कॉइंस, ज्यादा जगह नहीं लग पाता ये, डाइस और प्लेइंग कार्ड्स। क्या बोला, कॉइन्स, डाइस और प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने से पहले, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले, मैं आप लोगों को प्लेइंग कार्ड्स रिकॉल करवा दूं बस। बेटा कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स? दिवाली काफी सारे जुआरी बैठे हैं बेटा यहाँ दिवाली तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में आलोग एकदम से गड्डी निकाल ले, कह रहा सर हो जाए एक एक बाजी, ठीक है? कह रहा मैं तो अपना खर्चा ही नहीं से निकाल दू। हाँ जी, अगर प्लेइंग कार्ड्स की बात करें, 52 होते हैं और 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से, ठीक है, एक्साइटेड क्यों हो रहे? रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। बेटा आप सभी को पता है, 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 26 और 26। अच्छा, रेड कार्ड भी 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है बेटा इनमें से, एक वाले, एक टाइप को क्या बोलते हैं, डायमंड, हिंदी में ईंट का पत्ता बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, हिंदी में भी बोलना जरूरी है, कोई बच्चे को नहीं पता हो शायद। हाँ ये कुछ ऐसा होता है,
और एक होता है हार्ट। भला हो हिंदी फिल्मों का, है ना, इसकी शेप तो सबको ही पता है, जबकि ऐसा तो होता भी नहीं है हार्ट वैसे, एक्चुअल वाला हार्ट तो। खैर कितने होते हैं डायमंड, हार्ट कितने होते हैं? अच्छा यहां पे एक होता है स्पेड, इसे हिंदी में हुकुम का पत्ता बोलते क्या ठीक बेटा? वो ये वाला क्लब, कच्चे खिलाड़ी कच्चा खिलाड़ी। है आलोक से सीख कुछ, अभी थोड़ी देर बाद बाहर जाते ही हैट पहन लेगा एकदम से। हाँ खैर इधर देखिएगा, ये हो गया स्पेड और ये हो गया आपका क्लब। एक होता है आपका फेस कार्ड, ठीक है ना? फेस कार्ड स्कूल में 12th में भी ये सिखाया जाता था, जिसपे फेस बना होता है उसको फेस कार्ड कहते हैं, लेकिन वो 12th तक तो यही रूल है आज भी, लेकिन एक्चुअल में फेस कार्ड 12th के बाद किसी भी कोर्स में अगर आप करेंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे वो सीए कर रहे हो, या जहां पे भी स्टैट्स है, तो फेस कार्ड मतलब माना जाता है जहां पे अल्फाबेट लिखा हो। और ऐसे में कितने टाइप के फेस कार्ड होते हैं? एक तो ए एस, एक जे जैक जैक, नेव भी बोल देते हैं, एक वर्ड होता है नेव। एक्चुअली जे को क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, बोलते हैं गुलाम, तो गुलाम की इंग्लिश क्या होती है? नेव, ठीक है। अच्छा इसके बाद और इसके बाद ठीक है ना, किसका? एक क्या कह रहे पंटी दवाइयां नहीं ले रहे तू कहीं? कर फिक्र मत कर बेटा, ये बीमारी ठीक हो सकती है। चलो दो। खैर इधर देखो, तो कुल मिला के एस कितने होते होंगे? चार। जैक कितने होते होंगे? चार। क्वीन कितने होते होंगे? चार। किंग कितने होते होंगे? चार। तो कुल मिला के बेटा फेस कार्ड कितने हो गए? हेलो कहा तेरा कंधा क्यों चल रहा भाई, है, ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है तू? तो कैसे को मैं एकदम से दिमाग गया। सीधी बोलिए हाँ जी, कितने फेस कार्ड होते हैं? 16, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका मैंने बताया रिगार्डिंग योर बेसिक ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। और अच्छा एक चीज देख लो, टाइप्स ऑफ इवेंट। ऐसे लाल हेलो, कह रहे सर क्लास छोड़ दो, मैंने कहा क्यों? कह रहे पैसे लूटने जाना है। ठीक है, एक होते हैं बेटा प्लीज एक्सक्लूसिव इवेंट, अरे एक्सक्लूसिव इवेंट वही होते थे जो सेट में क्या होते थे, डिसजॉइंट सेट, याद है बताया था आप लोगों को? डिस जॉइंट सेट्स, सेक्शन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी में कुछ कॉमन, फाई, अब यहां पे फाई नहीं बोलेंगे ना,
क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी आ गई, तो क्या बोलेंगे? जीरो। मैं क्या मान के चलूं, क्लैरिटी है? ठीक है। इसके अलावा इक्वली लाइकली, और एक होता है इक्वी प्रोबेबल, इक्वली लाइकली और एक क्या होता है इक्वी प्रोबेबल, एक ही बात है, एक और नाम भी होता है। सिमेट्रिकल इवेंट्स। दोस्तों एक बात बताओ, कॉइन टॉसिंग में रैंडम वेरिएबल क्या आएगा? हेड और टेल, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो जरा बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 और 1/2 दोनों बराबर हो गए। जहां जहां प्रोबेबिलिटी बराबर होती है उन सबको बोलते हैं इक्वली लाइकली। क्या बोलते हैं उनको? इक्वली लाइकली। दूसरा वर्ड क्या है? इक्वी इक्वी प्रोबेबल। तीसरा इवेंट क्या है? नेचुरल डाइस रोलिंग। क्या बोला मैंने? तो सबको पता है, पहले बताओ इसके रैंडम वेरिएबल क्या क्या होंगे? इवेंट सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही है, तो अगेन इसको क्या बोलेंगे? नाम याद हो गए? बोल के बताना, पहला वर्ड क्या है? इक्वली लाइकली। दूसरा इक्वी प्रोबेबल। तीसरा, अच्छा यहां पे एक चीज नोट कर लेना, इफ प्रोबेबिलिटी आर नॉट इक्वल, देन इवेंट्स आर नोन एज। बेटा ये वर्ड भी पता होना चाहिए, जब बराबर होती है प्रोबेबिलिटी तब होते हैं इक्वल लाइकली, लेकिन जब बराबर नहीं होती तब वर्ड यूज होता है नहीं। लाइकली इवेंट्स। बराबर के लिए इक्वल लाइकली होता है, सबको पता होता है। नॉट इक्वल के लिए जनरली पता नहीं होता कि क्या बोलते हैं उसके लिए। तो मैंने बता दिया क्या बोलते हैं, लाइकली इवेंट। और एग्जाम्पल के तौर पे, एक बच्चे के पास होने के चांसेस 90%। मॉर्निंग बैच में ना एक बच्चा मुझसे पढ़ता है, पहले भी पढ़ चुका है, जून अटेम्प्ट के लिए पढ़ा था, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट चीज भी हुई। उसके अकाउंट्स में आए हैं 84, लॉ में आए हैं 87, इको में आए हैं 89, तो ये बच्चा पास ही हुआ होगा। अरे अब थोड़ा मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, अनफॉर्चुनेट, ठीक है। मैथ्स में उसके है 39। हालांकि ऐसा कभी, बिल्कुल ऐसे वाला मामला कभी नहीं लगा उसके साथ मुझे कि इसे कुछ भी नहीं आता या कुछ ऐसा है। जैसे ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे बच्चों के बारे में पता होता है कि किसी को क्या आता है क्या नहीं आता, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे आइडिया होता है पहले से कि इसे कितना आता है कितना नहीं आता, क्लास में पता चल जाता है। ऑब्वियसली सबके सब चीज को बार बार नहीं बोलूंगा, तो उसका मुझे लगता था कि
कर ही लेगा, नॉन मैथ था वैसे लेकिन कर ही लेगा। हालांकि आखिरी में थोड़ा सा मैंने उसे डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखा था कि दोस्त बना लिए एक दो ऐसे जो जिनका जो ऐसे थे कि मतलब उन्हें नर्सरी में भी दोबारा एडमिशन दिला दे तो वहां भी फेल हो जाए। होते हैं कुछ कुछ बच्चे हर तरीके के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो ऐसे मतलब बच्चे थे कि नर्सरी में एडमिशन दे दे और थोड़ा मुश्किल पेपर बना देना नर्सरी का, उसमें भी उन्हें ग्रेसिंग ग्रेस मार्क्स की जरूरत पड़ जाए। ओ तेरी, ओ माय गॉड, भागो कैसे, कैसे हमल हुआ है न्यूक्लियर? घंटा गेट खोल अबे क्या करता रहे। हाँ जी चलिए ठीक है, उस बच्चे के 39 मार्क्स है। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा तेरे को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा था कि मतलब तेरा पेपर गलत हो गया है मैथ्स का? मैंने कहा कितने की तैयारी थी तेरी सर? अभी अभी आज की बात है। तो मैंने उससे पूछा तो कहता है कि सर तैयारी मेरी 80-90 की थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अटेंड कितने किए थे, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे? कह रहे 90+। अच्छा देखो जो हुआ वो तो पता ही चल गया आप सबको, लेकिन इससे एक कंक्लूजन निकला यार, ये बोलना कि टीचर मतलब गलत चेक हुआ होगा ये तो गलत ही बात है ना बेटा। जब तुम्हारे अकाउंट्स में अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे लॉ में अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे इको में भी अच्छे आ रहे हैं, तो एक स्पेशली मैथ्स का पेपर ही खराब चेक हुआ तुम्हारा, ये थोड़ी अजीब सी बात लगती है। और वो भी तब जब ये ह्यूमन एरर वाली प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मशीनों से चेक होता है। एमसीक्यू वाला जो पेपर होता है वो किससे चेक होता है? स्कैनर स्कैन करती है मशीन, वो डार्कन सर्कल को ना स्कैन करती है। इसीलिए कभी भी एक से ज्यादा सर्कल पे डार्कन मत कर देना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करा और बाद में ढंग से रब नहीं करा तो वो मशीन हो सकता है दो सर्कल को हाईलाइट कर दे कि क्या कर रखा है, दो सर्कल डार्कन कर रखे हैं, और फिर वो एरर दिखा के उसमें क्या कर दे, मार्क्स ना देने की बजाय -1/4 कर। ठीक है, तो बड़े केयरफुली आपको हाईलाइट करना चाहिए, और क्वेश्चन का आंसर पता चलते ही हाथों हाथ हाईलाइट करना चाहिए, आखिरी का वेट कभी नहीं करेंगे। क्योंकि एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, उसने क्वेश्चन सॉल्व करता रहा, कह रहा मैं आखिरी में करूंगा, सर्कल करने में कितनी देर लगनी है। हुआ क्या कि उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए सेलेक्ट करना था, उससे क्वेश्चन नंबर 2 का सेलेक्ट हो गया बी सर्कल, और लाइन से सारे गलत। तो मेरे एक सीनियर जो मतलब टीचर नहीं थे बट ऑनर थे वो, उन्होंने एक टाइम पे, अभी तो नहीं है, 15 सेंटर थे ऑल ओवर दिल्ली, और 35-40 साल तक उन्होंने सीए के इंस्टीट्यूट चलाए। तो उन्होंने एक टाइम पे मुझे एक बात बोली थी कि 25% बच्चे मतलब 25% तक गलती करते हैं, यानी कि जो बच्चा 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है ना, 40 में से 10 क्वेश्चन सर्कल गलत करके आ, करके सही आ रहा है लेकिन सर्कल गलत कर रहा है। ठीक है, और ये सब बातें होंगी भी, तभी तो 1 लाख बच्चे में से 15,000 पास और 85,000 साफ। गलतियां होती होंगी। खैर मुझे उम्मीद है अभी आपको लाइकली और इक्वी लाइकली का मतलब समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और देख लो, फिर उसके बाद दोबारा से प्रैक्टिकल पे चलता हूं। बात एग्जॉस्टिव इवेंट्स बेटा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब सैंपल स्पेस होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब सैंपल स्पेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स फिर क्या होती होगी, बताओ बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती होगी, जो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है कितनी? 1। जब सारे ही पॉसिबल आउटकम आते हैं एग्जॉस्टिव में, तो ऊपर भी सारे के सारे आएंगे और नीचे टोटल में भी सारे के सारे ही आएंगे, तो ऊपर वाले और नीचे वाले से कॉमन होने की वजह से आंसर कट के क्या आ जाएगा, क्या कहते हो सभी? ऑल ओके, कितने टाइप्स के बताए? एग्जॉस्टिव, सॉरी एक्सक्लूसिव,
जिनमें कुछ कॉमन। अच्छा, इसका अपोजिट, एक्सक्लूसिव का अपोजिट होता है इंक्लूसिव। क्या होता है सेट में, इसको एक्सक्लूसिव को क्या बोलते थे, डिसजॉइंट सेट, और इंक्लूसिव को क्या बोलते थे, ओवरलैपिंग सेट। क्या बोलते थे, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को क्या करता है, ओवरलैप कर। समझ में आ रही है बात। दूसरा क्या बताया, इक्विलाइकली, और इक्विलाइकली का अपोजिट क्या होता है, लाइकली। और तीसरी क्या बताई, एग्जॉस्टिव इवेंट, जिसका मतलब सैंपल स्पेस, दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ऑल। ओके, सबको आता है समझ में, गुड। दोस्तों अगर ये बात आती है तो आइए तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं एडिशन थ्योरम। आपके साथ डिस्कस करता हूं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम जो कि आप फॉर्मूला देख के शायद याद आ जाए, ए और बी याद करो, सेट में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों इसको ना यूनियन के साथ साथ क्या वर्ड बोलते हैं, और इसको इंटरसेक्शन के साथ साथ क्या वर्ड बोलते हैं, आ रहा है सबको समझ, फॉर्मूला कोई नया नहीं है। दोस्तों ये ए है और ये बी है, और ये वाला एरिया एंड बी है। आ रहा है बेटा। अच्छा और याद करो चीजें जो आप लोगों को याद है, ये वाला एरिया कौन सा था, नहीं यूनिवर्सल सैंपल स्पेस मतलब पूरा बॉक्स, लेकिन मैं, आपने देखा होगा कुछ एरिया को स्किप कर रहा हूं। ये बेटा होल का इंटरसेक्शन या क्या, हाँ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज वर्ड नहीं बोलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप इस पता, इस चीज को ऐसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी कि इस चीज को क्या वर्ड बोल, इसके लिए क्या, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, नन। क्या वर्ड यूज होता है, नन, ना तो ए और ना तो। अच्छा माइंड दैट, जैसे ए यूनियन बी लिखा, ए मतलब ये सर्कल कवर, बी मतलब ये वाला सर्कल कवर, बीच वाला एरिया कितनी बार ऐड हुआ, दो बार, एक बार क्या कर दिया माइनस, तो बचा कौन सा। मैं अगर थोड़ा हाईलाइट करना चाहूं, एक्सपोज़ ये वाला एरिया व्हाइट से जो हाईलाइट आउटलाइन करा मैंने, है। अच्छा दोस्तों एक बात सुनो, आपको मैं बता दूं, अगर कभी भी ए और बी पूछा जाए तो आप एडिशन थ्योरम लगाओगे। इसके अलावा अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो भी आप एडिशन थ्योरम यानी कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये आपका एटलीस्ट वन ही है। याद करो ये वाला एरिया क्या सिखाया था तुम्हें, ओनली ए। ये वाला एरिया क्या सिखाया था तुम्हें, ओनली बी। और ये वाला एरिया क्या सिखाया है तुम्हें, बोथ, या तो ए या तो भी या फिर दोनों। क्या ये बात एटलीस्ट वन को रिप्रेजेंट नहीं करती। हाँ जी क्लियर है, तुम कंफ्यूज हो कहां पर, यही बात कह रही हो या पीछे वाला, सेट वाला चैप्टर तुमने करा था मुझसे। ठीक है, ये जो एरिया है, जो ये मैंने जहां पे लिखा है ये ब्लैक एरिया, ये ओनली ए वाला है ना, जहां पे ए वो इवेंट्स आ रहे हैं
वो लोग आ रहे हैं जो एक ही कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। और ये वाला एरिया कौन सा है, जो लोग कौन से लोग आ रहे हैं जो बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये लोग कौन से हैं जो ए की भी कंडीशन और बी की भी कंडीशन को सेटिस्फाई। एटलीस्ट वन का मतलब यही तो हुआ, या तो ए कंडीशन सेटिस्फाई या तो बी कंडीशन सेटिस्फाई या दोनों। जैसे समझ ले, ये ए वाले लोग कौन है, कॉफी ड्रिंकर, बी वाले कौन है, टी ड्रिंकर। तो ये कौन से जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, ये कौन से जो सिर्फ चाय पीते हैं, और ये कौन है जो दोनों पीते हैं, जो मिल जाए। ठीक है, वो मिल जाए तो हाँ, अच्छा। मतलब चाय कॉफी। अच्छा, इधर देखिए, क्या याद रखेंगे आप, और वर्ड आते ही ये वाला साइन और एटलीस्ट वन आते ही ये वाला साइन। अच्छा सुनो, तुम्हें ये बात पता है कि प्लीज ये पूरे बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन। ये पूरा बॉक्स सैंपल स्पेस है ना, तो पूरे बॉक्स की प्रोबेबिलिटी वन है। बेटा सोच के देख कि अगर तेरे को ए और बी निकालना है, तो पूरे बॉक्स की प्रोबेबिलिटी यानी कि वन में से तू माइनस कर दे कौन से वाला एरिया, ए नॉट एंड बी। ठीक है, रेड वाला एरिया माइनस कर दे बेटा, कौन से वाला एरिया बचेगा, ए और बी वाला एरिया। तो यानी कि तुम्हें अब दो फॉर्मूले पता चल गए ए और बी के, ये भी फॉर्मूला ए और बी का है, ये भी फॉर्मूला ए और। ठीक है भाई, एग्री करते हो सभी? ठीक है, अच्छा। और यहां पे इस वजह से मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को ऐसे याद रखो, क्योंकि मेरे लिए फायदा होगा आपका ये ऐसे माइंड में इमेज बनना। ए और बी मतलब एटलीस्ट वन, और वन माइनस ए नॉट एंड बी नॉट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ। भूलना मत दोस्तों इस बात को कि एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त हम क्या करेंगे, वन माइनस। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक दो बातें ये जरूरी है। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, पहले बताओ एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से थे, होते थे जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता था। तो ऐसे में अगर तुमसे कभी ए और बी पूछा जाएगा, तो फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, ए प्लस बी तो होगा इंटरसेक्शन लेकिन इंटरसेक्शन माइनस नहीं होगा। क्या ये बात याद रख पाओगे? अच्छा, ऐसे ही कई बार ना ऐसा भी लिखा आ सकता है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तुम्हें नहीं पता कैसे कैसे क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज में आने, मुझे पता है, तो मैं उन्हीं के हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर दो, एक्सक्लूसिव भी हो और साथ के साथ क्या हो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हो। और ऐसे में अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालने के लिए कहा जाए, ए और बी या एटलीस्ट वन निकालने के लिए कहा जाए, तो आपको बता दूं ए प्लस बी तो होना ही है क्योंकि एक्सक्लूसिव है। और ये भी याद रखना कि ए और बी का टोटल वहां पे किसके बराबर होगा, वन के, क्योंकि साथ के साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है, एग्जॉस्टिव। जहां वर्ड एग्जॉस्टिव लग गया तो आंसर क्या लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, कैसे इवेंट होते हैं एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, सुन लो। हेड एंड टेल इन अ टॉस ऑफ कॉइन आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हेड एंड टेल इन अ टॉस ऑफ कॉइन आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सही बात है ना, कॉइन को टॉस करेंगे या तो क्या आएगा बच्चों, और या फिर क्या आएगा, दोनों नहीं आ सकते। क्या इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ आ सकता है, नहीं है ना। अच्छा, ऊपर वाला एग्जाम्पल दू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का,
ये एक्सक्लूसिव है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। सुनो, एक बच्चा किसी पेपर में अपीयर होता है, या तो वो पास होगा या वो फेल होगा, दोनों तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि एक तीसरी पॉसिबिलिटी है। क्या? सप्लीमेंट। मतलब किसी एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्स आ गई तो इसका मतलब ना तो इधर पास ना फेल, तो तीसरा एक आउटकम हो गया। लेकिन जो मैंने अभी बोला, जैसे सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन है, यहां पे नहीं हो सकता, या तो बच्चा क्या होगा, पास या फेल। मतलब ये कैसे हो गए, एक्सक्लूसिव और समझ गए बात को? ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एडिशन थ्योरम के बारे में आपको बताया। अच्छा दोस्तों, वैसे तो ये पहले भी बताया जा चुका है, तो ये एक तरीके से रिकॉल हो रहा है बस आप लोगों के लिए। अब हाँ, भूल गए हो तो अलग बात है। ए यूनियन बी को ना पहले भी बताया होगा, नहीं बताया तो दोबारा सुन लो। ए प्लस बी लिखा जा सकता। अच्छा, जब लिखा हो ए एंड बी नॉट, क्या याद है किसी को क्या पढ़ते थे इसे? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली। और इसका इसको इसका फॉर्मूला क्या होता था? बहुत बढ़िया, क्या होता था फॉर्मूला? ए पूरे ए सर्कल में से कॉमन वाला एरिया क्या कर दो, माइनस। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसको ओनली ए को या ए एंड बी नॉट को आप को ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ए माइनस। ये सेट में बताया था क्या पहले? ठीक, इसके अलावा सब बताओ, ए नॉट एंड बी क्या लिखूं इसे? इम्पोसिबल। ओनली बी लिखूं, और यहां पे क्या लिखूं बोलो? बी माइनस ए। और इसका फॉर्मूला, पूरे बी सर्कल में से कॉमन वाला एरिया क्या करवा दो, माइनस। ठीक है, ये था रिगार्डिंग आपके क्या, एडिशन थ्योरम, जो एक तरीके से सही मायने में देखा जाए, भाई मैंने सारे फॉर्मूले सेट वाले एज इट इज रिवाइज ही करवाए हैं, अदरवाइज मैं ऑलरेडी आपको सेट में ये बता चुका हूं। भूल गए हो तो बेटा फिर ना आप ये बात ध्यान रखना, यहां क्लासरूम वाला काम ठीक चल रहा है, कोई चीज स्किप नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज पेपर में नहीं आ सकती जो क्लास में डिस्कस ना हुई हो, लेकिन घर वाला काम सही नहीं चल रहा, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते फिर भूल जाते हो। तो चाहे आप कितना भी अच्छा सीख लो, अगर भूल ही जाना है तो आखिरी में तो उसका इफेक्ट क्या आना है वो तो समझ ही सकते हो आप, तो घर वाला काम ठीक नहीं चलता। क्योंकि ऐसा नहीं होता, जब बच्चे ने अगर टाइम लगाया होता है ना किसी भी चीज पे, तो उसे याद ना आए ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, यहां पे आप में से जो बच्चे का बेसिक 12th का क्लियर है ना, 11th 12th का भी, उसको अभी तक याद आता है कि अरे हाँ इसका मतलब ये था, तो जब 2 साल पुरानी बातों का याद आ रहा है तो अब नहीं आता, बस वो इसलिए होता है क्योंकि हम घर वाला काम ढंग से नहीं, जो कर रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं जिनमें इसी टाइप के क्वेश्चंस जिसके अंदर ऐसा ही होगा। हाँ जी चलो ट्राई करो प्लीज, क्वेश्चन ट्राई करो 7th, क्वेश्चन ट्राई करो 7। जो सिखाया है उन्हीं के बेसिस पे है ये क्वेश्चन, आपको और वर्ड से ही समझ जाना चाहिए। और अगर आप पूछो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 1 से लेकर 1000 तक में कितने नंबर
सात के मल्टीपल है, 11 के मल्टीपल है, तो एपीजीपी में सिखाई हुई है बात। तुम्हारा बेटा मे अटेम्प्ट है ठीक है। अच्छा याद दिलाता हूं, अगर आपको ये पता करना है 1 से लेकर 1000 में कितने नंबर 7 के मल्टीपल में है, तो आप 1000 को कैलकुलेटर पे 7 से डिवाइड कर दो और डेसिमल वाली वैल्यू को इग्नोर कर दो, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर 7 से डिविजिबल है। 1000 को 11 से डिवाइड कर दो, डेसिमल वालों को इग्नोर कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितने नंबर 11 के मल्टीपल है। और कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 7 की टेबल में भी आएंगे, 7 के मल्टीपल भी होंगे और 11 के भी, वो निकालने के लिए 7 × 11 77, 1000 को 77 से डिवाइड करो तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 और 11 दोनों के मल्टीपल में कॉमन है। उसका सी ऑप्शन देखिए भाई, लिखा है कि हाँ नंबर, देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 11 ये करना था ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 एंड 11। बेटा ये निकालने के लिए 7 से डिविजिबल वाले नंबर निकालने के लिए 1000 को 7 से डिवाइड करो, डेसिमल को इग्नोर करो, बताओ कितना आता है। फेवरेबल प्लस 142 आउट ऑफ 1000। बेटा 11 से डिवाइड करो, नाइन हाँ नाइन 19 आउट ऑफ 1000। नाइन आउट ऑफ 1000 पहले ये समझ में आ रही है बात जो लिख रहे हैं? अच्छा, ऐसे नंबर जो 7 और 11 दोनों है, 1000 को 77 से कितना, बेटा बताओ टोटल कितना हुआ। नाइन डन, क्वेश्चन नंबर 5 करके बताओ क्या आंसर होगा। वन क्या आंसर होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज, उसने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो फिर क्या कहता है, दे अकर, ठीक है सुनो बेटा इधर देखो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जहां पे आपने एक्सक्लूसिव इवेंट लिखा था वहां पे आपने देख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होती है, डिसजॉइंट सेट। अगर स्पेस हो
तो वहीं पे लिख लेना ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर नहीं तो एक एग्जाम्पल अलग ऐसे लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव इवेंट। तो एक बार मीटिंग चालू कर लो फिर करते हैं। आप इतने लिख लो, क्या लिखोगे? एग्जाम्पल ऑफ, और अगर तुम वही लिख रहे हो एक्सक्लूसिव इवेंट वाली जगह पे ही, तो फिर लिखने की कोई जरूरत